नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाला एम एक्सपीरियंस में। दोस्तों आज का ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों, आप टाइटल देख के दोस्तों समझ गए होंगे, बालायाम क्वेश्चन आंसर। जी हाँ दोस्तों, मुझसे बहुत ही ज़्यादा कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं जो मेरे वीडियो में दोस्तों कॉमेंट के जरिए। तो दोस्तों कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके वैसे तो मैं दोस्तों रिप्लाई अक्सर कर ही देता हूँ, कुछ ना कुछ जवाब मैं आप लोगों को दे ही देता हूँ। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को कुछ जो भी क्वेश्चन आंसर है दोस्तों इस वीडियो में अपने शामिल किया हूँ दोस्तों, ज़्यादा नहीं, कुछ 7-8 ही दोस्तों सवाल हैं जिनको मैंने शामिल किया है अपने इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा और देख लीजिएगा। और सबसे पहले दोस्तों आप सब लोगों को बहुत बहुत दोस्तों आप सबका धन्यवाद जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया। और मेरे दोस्तों मैंने 0 सब्सक्राइबर्स मैंने अपना चैनल दोस्तों शुरुआत किया था और आज मेरे दोस्तों 150 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो इसलिए दोस्तों आप सब लोगों को बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों सबसे पहला दोस्तों सवाल मैंने कुछ एक्चुअली में लिख के नोट करके रख लिया है दोस्तों। सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि क्या आपने कभी हेड स्टैंड किया था। दोस्तों ये एक्चुअली में मुझसे पूछा जाने वाला सवाल है कि क्या आपने कभी हेड स्टैंड किया था, यानी कि शीर्षासन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैंने 1-2 बार दोस्तों ट्राई किया था हेड स्टैंड करने की, शीर्षासन करने की, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया था दोस्तों। एक्चुअली में मैंने ट्राई किया था लेकिन मुझसे नहीं हो पाया था। लेकिन अगर आप कर ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, अगर आप हेड स्टैंड कर लेते हैं, शीर्षासन कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और अभी तो दोस्तों आप किसी के एकाध जन को आप अपने साथ में रख के अगर आप शीर्षासन कर रहे हैं, तो आप अगर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके 10 से 15 या 20 दिनों में दोस्तों आप खुद ही देखेंगे आपके बाल झड़ना बिल्कुल रुक जाएंगे। तो शीर्षासन अगर आप कर पाते हैं दोस्तों करिए, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और दोस्तों दूसरा सवाल जो सबसे ज़्यादा दोस्तों मुझसे पूछा जा रहा है, मास्टरबेशन दोस्तों यानी कि हस्त मैथुन। तो दोस्तों ऐसा मैं आपको इसमें दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक अलग से इस विषय पर वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अभी तो फिलहाल मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ दोस्तों, हस्त मैथुन करने से बाल झड़ते हैं, लेकिन अगर आप महीने में 1 या 2 बार हस्त मैथुन कर रहे हो, मास्टरबेशन कर रहे हो, तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता दोस्तों हमारे बालों पे। आप हेल्दी डाइट रखिए, आप जो भी खाने पीने की चीज़ें आप उस पर ध्यान रखिए, आप खाने पीने के अपने चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान रखें। आप मास्टरबेशन आप 1 या 2 बार आप महीने में कर रहे हैं तो आपको कोई भी तक प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप जब लिमिट आप क्रॉस कर जाते हो, आप कुछ कोई भी चीज़ दोस्तों आप ज़्यादा करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी ही। तो आप अगर मास्टरबेशन ज़्यादा कर रहे हैं तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम होनी ही है। तो इसलिए दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आप महीने में 1 बार या 2 एक बार ही करें, और नहीं तो आप करें ही मत। और दोस्तों चलिए इस विषय में मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा, तो उस वीडियो बना दूंगा। और चलिए दोस्तों तीसरा सवाल, दोस्तों बहुत ही आम सवाल है लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ दोस्तों। तीसरा सवाल, क्या टिप टू टिप कर रहे हैं, टिप टू रूट। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप टिप टू रूट ही करिए। टिप टू रूट आप करेंगे तो एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, आपको फ़ायदा होगा। तो आप टिप टू रूट ही करिए, बालायाम सबसे बेस्ट रहेगा। और दोस्तों चौथा सवाल, क्या जेनेटिक हेयर लॉस पे भी बालायाम वर्क करता है। जी हाँ दोस्तों, मेरा भी जेनेटिक हेयर लॉस ही था, मेरे पापा के बाल पूरी तरह से झड़ चुके हैं दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है, पापा के बाल तो हमारे 40 या 35 या 40 साल के बाद झड़े थे। तो दोस्तों हमारे 19, 20, 21, 22 की उम्र से ही बाल क्यों झड़ना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, जेनेटिक हेयर लॉस हो, बालों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, आप बालायाम करिए, सारी आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों पांचवा सवाल, क्या 10 दिन में ही सर में हीटिंग होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको आपके हाथों में टेलिंग नहीं हो रही, वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, आप बालायाम कर रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके सर में हीटिंग नहीं हो रही तो आपको बालायाम वर्क नहीं कर रहा है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, बालायाम आप करते रहिए। आप ये मत सोचिए कि नहीं सर हमारे सर में हीटिंग नहीं हो रहा तो मतलब हमको बालायाम हमको सूट नहीं कर रहा है, आपके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। तो आप बालायाम करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों और एक सवाल दोस्तों, क्या बालायाम करने से हमारे बाल रुक जाएंगे। दोस्तों बालायाम आप करिए, कोई भी प्रॉब्लम आपके बालों से रिलेटेड है तो आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी। अगर आपके बाल अभी दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका हेयर लॉस हेयर फॉल कब से हो रहा है, आपके बाल कितने दिन से झड़ रहे हैं। अगर आपके बाल दोस्तों
मान चलिए 10 साल पहले आपके बाल झड़ना शुरू हुए हैं, तो 10 साल बाद आप व्यायाम करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा समय देना पड़ेगा दोस्तों। तो आप व्यायाम, अगर आपका हेयर फॉल बहुत ही पुराना है, आप काफ़ी टाइम से आपका बाल झड़ा है, तो आप व्यायाम ना करें, क्योंकि दोस्तों फिर आपको बहुत ज़्यादा समय देना पड़ जाएगा। 1-2 साल या 3 साल या 4 साल आपको कितना देना पड़ेगा वो मैं भी नहीं दोस्तों बता सकता। लेकिन अगर आपका हेयर फॉल 1-2 साल या 3 साल या अभी आपका बाल झड़ना शुरू हुआ है, आपका आपका अभी थोड़ा थोड़ा स्कैल्प दिखना शुरू है, तो आप व्यायाम दोस्तों करना शुरू कर दीजिए। आपके बाल जितने भी हैं, जहाँ भी हैं दोस्तों, वहीं पर आपके बाल रुक जाएंगे, बच जाएंगे, आपके बाल बिल्कुल सेफ हो जाएंगे दोस्तों। और जहाँ पर आपकी स्कैल्प थोड़ी थोड़ी दिख रही है, वहाँ पर भी दोस्तों बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो आप दोस्तों निश्चिंत रहिए, बिल्कुल व्यायाम पे आप विश्वास रखें, व्यायाम करते चलिए दोस्तों। और एक सवाल, बेबी हेयर स्कैल्प पे रुक नहीं रहे हैं दोस्तों। बेबी एक्चुअली में क्या है, जब हम व्यायाम करना शुरू कर देते हैं तो 2-3 महीने बाद जब हमारे बालों की ग्रोथ होती है, तो बेबी हेयर जो छोटे छोटे दोस्तों बिल्कुल छोटे छोटे हेयर आते हैं, आप समझ लीजिए जो हाथों के रोवे होते हैं, हाथों के रोवे होते हैं उतने पतले पतले दोस्तों बेबी हेयर आते हैं, और वो स्कैल्प पे रुकते भी नहीं हैं। तो दोस्तों आप अच्छे से अच्छी डाइट लीजिए, आंवला जूस पिए, जो मैंने बेस्ट हेयर ऑयल के बारे में बताया आप वो इस यूज करिए, आपके 100% दोस्तों आपके बेबी हेयर रुकना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों दोस्तों एक और सवाल, क्या एक दिन में कितने बाल झड़ने की नॉर्मल है? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल एक्चुअली मुझसे पूछा गया, तो मैंने इसका जवाब भी दिया था कि 50 से 100 बाल आपके अगर झड़ रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों आपके मन में ये डाउट होगा कि अगर हमारे 50 से 100 बाल एक दिन में अगर झड़ रहे हैं तो हम तो 6 महीने या साल भर में दोस्तों पूरी तरह से गंजे हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, बालों का जो फेस होता है, जो बालों के हेयर साइकिल होती है दोस्तों, वो बाल हमारे थ्री फेज से होके गुजरते हैं दोस्तों, बालों का हेयर साइकिल होता है। एक्चुअली मैंने दोस्तों ज़्यादा ये इस विषय पे गूगल पे मैंने एक्चुअली सर्च मारा था, मैंने इस विषय पे पढ़ाई थोड़ी सी की थी, थोड़ा सा मैंने पढ़ा था, तो उसमें एनाजेन, कैटाजेन, टेलोजेन दोस्तों 3 फेज से होकर हमारे बाल गुजरते हैं। पहले फेज में आपके एनाजेन फेज में आपके हेयर बहुत ही अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, आपके ग्रोथ बहुत फास्ट रहती है। तो एनाजेन स्टेज में आपको बाल जब रहते हैं तो वो 2 से 6 सालों तक रहते हैं, और दूसरे स्टेज में दोस्तों फिर वो एनाजेन स्टेज से फिर आपके बाल पहुंच जाते हैं केटाजेन, केटाजेन स्टेज में दोस्तों, उसमें आपके बाल 1 से 1.5 महीने रहते हैं, और फिर उसके बाद दोस्तों वो पहुंच जाते हैं टेलोजेन स्टेज में। तो टेलोजेन स्टेज में क्या होता है दोस्तों, आपके बाल थोड़े से रूखे सूखे होके आपके बाल झड़ने लगते हैं, तो धीरे धीरे दोस्तों बाल वो झड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि बाल झड़ गए तो आपके वापस नहीं आएंगे, फिर से दोस्तों वहीं से बालों की ग्रोथ होती है और आपके बाल फिर से एनाजेन स्टेज से शुरू हो जाते हैं। और ये दोस्तों ये हेयर साइकिल हमारे जीवन में कई बार चलती रहती है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर 1 या 2 बार आपके आपके बाल अगर दिन भर में 50 से 100 अगर झड़ रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होते हैं, जब आप प्रोटीन डाइट पौष्टिक आहार नहीं ले रहे हैं, आप खाने पीने पर ध्यान आप नहीं दे रहे हैं, तभी जाके आपको प्रॉब्लम शुरू होती है। तो आप व्यायाम दोस्तों करते रहिए, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक दिन में आपके 25 बाल या 50 या 100 झड़ रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।